हरियाणा के नूको हिंसा की आग में झोंकने वालों के खिलाफ सरकार का एक्शन अब तेज हो गया है। कल प्रशासन ने 13 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा दिया, तो आज सुबह से बुलडोजर एक्शन भी जारी है। कल दंगे के आरोपियों के 20 घर, दुकानों और 250 झुग्गियों को बुलडोजर से साफ किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 13 एकड़ जमीन खाली करा ली गई, तो आज भी नू प्रशासन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर डेमोलिशन की कार्रवाई कर रही है। नू के SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास सरकारी जमीन में बनी अवैध दुकानों को आज प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और आज पूरे दिन नू के अवैध अतिक्रमण इलाकों में बुलडोजर चलाया जाएगा। एक ओर जहां पर खट्टर सरकार ने नू SP और DC का ट्रांसफर किया, तो वहीं हिंसा और आगजनी के मामले में हरियाणा के 5 जिलों में अब तक 102 FIR दर्ज हुई है। 202 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। CCTV फुटेज के जरिए अब दंगे के आरोपियों की पहचान की जा रही है। जिसने जलाया नू, अब छिपाते फिर रहे हैं मुंह। नू हिंसा पर एक्शन में खट्टर सरकार। अफसरों का ट्रांसफर, दंगाइयों पर बुलडोजर। इकतीस जुलाई को घंटों तक नूह जलता रहा। दंगाइयों ने खट्टर सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, पुलिस की परवाह किए बगैर हिंसा और आगजनी की। तो अब खट्टर सरकार के सामने एक बाल बचाने की चुनौती है, लिहाजा शुक्रवार को उसी इलाके में बुलडोजर गरजा जहां 31 जुलाई को दंगाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया था। अब हरियाणा सरकार एक्शन में आई है, तो दंगाई घरों से फरार हैं। बुलडोजर से निस्ते नाबूद हुए अपने अवैध निर्माण के मलबे लेने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। नूह के जिस इलाके में बुलडोजर चला, वो पूरा इलाका अवैध रूप से बसा है। इसमें सरकारी जमीन पर झुग्गियां बसाई गई हैं, जिनमें रोहिंग्या रहते हैं। प्रशासन ने शुक्रवार को करीब 20 घर, दुकानों और 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया। कल नू जिले के ही ताउड़ू में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर बुलडोजर चला है और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इन झुग्गियों को तोड़ दिया गया। कुछ लोग या जो सोर्सेज है, वो इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि यहां रहने वाले लोगों का भी हाथ उस हिंसा में हो सकता है। इस तरह की जो खबरें हैं वो मिल रही है। हालांकि अगर इस जगह की बात करते हैं, पूरा बुलडोजर चला यहां पर और तमाम जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो अब यहाँ पर बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सामान इसके नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ करीब जो लगता है 100 से 150 से ज़्यादा जो परिवार है, वो यहाँ पर रहते हैं और इन लोगों का दावा है पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। असम के कुछ लोग हैं और दूसरी जगहों से भी यहाँ पर आए हुए लोग हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या पुलिस को पहले इस तरह की जो जिस तरह की बातें अब सामने आ रही है, पहले कभी इस तरह की जानकारी नहीं थी क्या? और इस तरह से बसने फिर क्यों दिया गया, अगर इस तरह की आशंका जाहिर की जाए? क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं लगातार, चाहे रोहिंग्याओं को लेकर हो या दूसरे जो लोग हैं उन पर ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन तब भी इस तरह से एक बड़ी जो आबादी है उनको बसने दिया जाता है, यही चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दी। सरकार का बुलडोजर उस नल्हड़ महादेव मंदिर के आसपास के इलाके में भी चला, जहां से फंसे हजारों हिंदुओं पर पहाड़ी से फायरिंग की गई थी। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार नल्हड़ मंदिर के पास सरकारी जमीन पर खेतों के बीच जो मकान बने हुए थे उन पर की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुलडोजर, फिलहाल जो यहां पर ये झुग्गी बनी हुई थी उस पर ये बुलडोजर इस वक्त कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजरों से लगातार इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। अवैध तरीके से जितना भी यहां पर कंस्ट्रक्शन हो रखा था उसे तोड़ा जा रहा है। फिलहाल ये झुग्गी तोड़ी गई है। ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, इस घर को प्रशासन ने पूरी तरीके से खाली करा दिया है। घर का सामान पूरा बाहर निकाल दिया है। ऊपर ड्रोन कैमरा आप देखिए, ड्रोन कैमरे से पहाड़ियों पर नजर रखी जा रही है और इस वजह से नजर रखी जा रही है कि बताया जा रहा है कि कुछ दंगाई अभी भी, मेरे सहयोगी सुशील डोगरा इस तरफ आपके जो पहाड़ी दिखाएंगे, पहाड़ी पर अभी भी कुछ लोग छिपे हुए हैं। घरों में सिर्फ महिलाएं मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि उनके परिवार के जो पुरुष हैं या फिर युवा लड़के हैं, वो प्रशासन के डर की वजह से इन पहाड़ियों में जाके छिप गए हैं।
हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका दंगे के अंदर कोई रोल नहीं है, वो सालों से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन पुलिस को ये शक है क्योंकि नल्हड़ मंदिर की इन्हीं पहाड़ियों से मंदिर जो नीचे मंदिर है उस पर टारगेट किया गया, तो मंदिर जो है वहां से जो दंगाई थे इन्हीं खेतों से इन्हीं इलाकों से निकलकर ऊपर पहाड़ियों में चढ़े थे। तो क्या यही लोग शामिल हैं इस पूरे दंगे के अंदर, ये जांच की जानी है। और इसी वजह से जो अवैध कब्जे यहां पर हो रखे थे, जो मकान इस तरीके के जो पक्के मकान यहां पर बनाए हुए थे या फिर जो झुग्गियां यहां पर बनाई हुई थी उन पर इस तरीके से प्रशासन जो है बुलडोजर की कार्रवाई लगातार कर रहा है। नू दंगे के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ खट्टर सरकार फुल एक्शन में है। सीएम ने सभी अवैध निर्माण को गिराने के निर्देश दिए हैं, तो नू जिला प्रशासन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। कल प्रशासन ने नल्हड़ शिव मंदिर के पीछे वन विभाग की करीब 5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया था, तो पुनहाना में वन विभाग की 6 एकड़ जमीन पर बने अवैध मकानों को धराशायी किया गया। नगीना के एमसी क्षेत्र में पड़ने वाले धोबी घाट में भी तोड़फोड़ दस्ते ने करीब 1 एकड़ जमीन को खाली करवाया। ठीक वैसे ही नांगल मुबारकपुर में 2 एकड़ जमीन पर बने टेम्पररी शेड और वहां बने अवैध कब्जे को हटाया गया। तो आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहने वाला है। हरियाणा के 5 जिलों में हिंसा के मामले में कुल 102 FIR दर्ज की गई हैं और अब तक 202 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, तो वहीं 80 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इलाके के CCTV कैमरे की भी स्क्रीनिंग की जा रही है और संदिग्धों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हिंसा भड़काने में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर 22 FIR अलग से सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ दर्ज की गई है। जहाँ तक FIR रजिस्ट्रेशन की बात है तो पूरे स्टेट में लगभग 102 FIR हुई हैं जो अलग अलग घटनाओं के संदर्भ में, और सोशल मीडिया को लेके लगभग 22 FIR हुई हैं सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक अगर किसी पोस्ट डाली है। नूह में 45 का आंकड़ा है हमारा FIRs का और 10 सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के FIR हुई है, और पूरे स्टेट में लगभग 202 की गिरफ्तारी हुई है इस वक्त। सरकार दंगा के आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है, तो 31 जुलाई को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में नाकाम अधिकारियों पर भी एक्शन जारी है। हरियाणा सरकार ने नू के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का ट्रांसफर कर दिया है। धीरेन्द्र खड़गता अब नू के DC होंगे, तो SP वरुण सिंगला का भी ट्रांसफर किया गया है। वरुण सिंगला की जगह नरेंद्र बिजारणिया को नू का SP बनाया गया है। नरेंद्र बिजारणिया ने चार्ज संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ हिंसा फैलाने वालों की पहचान की जा रही है तो दूसरी तरफ उन इलाकों में भी एक्शन जारी है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए India TV क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें India TV क्राइम अलर्ट।